हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लियो फूड टेक। सो गाइस, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन आज के वीडियो में जितनी भी मैंने शॉपिंग करी है जम्मू से, जैसे कि आप लोग जानते हो अभी मैं वैष्णो देवी गई थी, उसके ब्लॉग्स भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। जब मैं ये ब्लॉग डालूंगी उससे पहले आप वो वीडियोज देख चुके होंगे। तो मैंने जम्मू से जितनी भी शॉपिंग करी सबके लिए, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज और अपने लिए, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में कि मैं क्या क्या खरीद के लाई जम्मू से सबके लिए। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और जम्मू की स्पेशल चीज़ जो होती है वो तो मैं लाई ही हूँ खरीद के। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना आप लोग, और अगर नए हैं मेरे चैनल पर और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। और चलो ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इस पॉलिथिन में क्या है। तो एज यू नो, जम्मू इज फेमस फॉर इट्स ड्राई फ्रूट्स। तो हम वैष्णो देवी गए थे तो हम ये एप्पल्स वहाँ से खरीद के लाए। ये ड्राई एप्पल्स होते हैं, बहुत ही अच्छे और टेस्टी होते हैं। तो ये दो पैकेट मैंने लिए हैं, वन फॉर अस एंड वन फॉर आवर फैमिली मेम्बर्स। तो ये जो हमने पैकेट खरीदे वहाँ से, ठीक है, चलो जो मैं दिखाती होती हूँ मैं यहाँ रख देती हूँ। उसके बाद सेकंड चीज़ जो हमने खरीदी वो हमें यहाँ पे ये दिख गई थी सौंफ। मतलब इसमें डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सौंफ आपको देखने को मिलेंगी। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, यहाँ से थोड़ा पास कर दो आप तो दिखेगा। तो देख सकते हो आप, इसमें डिफरेंट वेराइटी ऑफ सौंफ है। तो एक हमने ये खरीदा वहाँ से, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा था तो हमने ये खरीद लिया एक। ओके, बाकी ये आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह या घर में भी देखी होंगी। तो एक ये हमने ख़रीदा, और अच्छा इसमें अब कुछ नहीं है तो इसे हम यहाँ रख देते हैं, साइड कर देते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट चीज़ हम इसमें से निकालते हैं। तो ये यहाँ छोटे छोटे मैंने ब्रेसलेट खरीदे हैं। ये हमारी प्यारी सी नोनू के लिए हमने ख़रीदे हैं, उसको ब्रेसलेट बहुत अच्छे लग रहे। लास्ट टाइम मैं जब गई थी तो वो बोल रही थी कि हाथ वाले कंगन अच्छे लग रहे हैं मम्मा, तो फिर ये खरीदा हमने उसके लिए। एक ये है और एक ये बहुत प्यारा सा, डिफरेंट डिफरेंट कलर के खरीदे हैं, छोटे छोटे हैं, उसके हाथ में बहुत प्यारे लगेंगे, तो हमने ये खरीदे। सो नेक्स्ट चीज़ जो हमने खरीदी है वो हमने ये खरीदी है, वैष्णो माता की छोटी छोटी सी ये सीनरी मंदिर में रखने के लिए खरीदी थी। तो एक ये खरीदी है हमने, और एक इससे भी छोटा साइज खरीदा है, ये वैष्णो माता की ये फ्रेम हमने खरीदा है। ये हमारा मंदिर छोटा है तो हमने ये छोटा वाला खरीदा, और ये मैं देने के लिए लेके आई थी। तो ये दो हमने फ्रेम्स खरीदे हैं, ठीक है। और मैं दिखाती हूँ आपको, अब इसे साइड में रख देती हूँ यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो है, मैं ये वहाँ से सिंदूर खरीद के लेके आई थी, टू पैकेट्स। और ओके, सो नेक्स्ट चीज़ है दिस वन। तो मैं ये खरीद के लाई थी कार में लगाने के लिए, हैंग करने के लिए, ये वैष्णो माता का, इसमें फोटो है वैष्णो माता की, यहाँ पे बहुत प्यारा लगता है। तो मैं एक ये लेके आई थी कार के लिए। सो देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा है ये और बहुत ही प्रिटी लगता है। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ जो हमने खरीदी है वो ये है। अब जम्मू गए और ड्राई फ्रूट्स नहीं लेके आए तो अब क्या ही लेके आए, वहाँ के फेमस फ्रूट्स देख सकते हो आप। अच्छा, वहाँ पे आपको ना अखरोट्स बहुत ही वैरायटी के मिल जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के मिल जाएंगे। मतलब 70 रुपीज़ केजी वाले अखरोट भी वहाँ पे थे, और 280 रुपीज़ के भी वहाँ पे, 280 रुपीज़ पर केजी भी वहाँ पे थे, और 450 रुपये किलो भी थे। तो वो डिपेंड करता है कि ऑयल किस में कितना ज़्यादा होता है और किसके किस अखरोट के अंदर कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी का अखरोट होता है, तो उसके बेसिस पे अखरोट वहाँ पे मिलते हैं। तो हमने ये ख़रीदा था वहाँ पे, ये बहुत ऑयली और इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो हमने जो ख़रीदा था वो आई थिंक 280 रुपीज़ पर केजी वाला ख़रीदा है, ये वाला। तो ये काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने ना पूरे, मतलब थोड़े भी नहीं ख़रीदे, पूरा 1 केजी ख़रीद लिया। आराम से खाएंगे इसको, और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं तो, और वहाँ पर काफ़ी अच्छे भी बोलते हैं तो मैंने ख़रीद लिया। चलो नेक्स्ट चीज़ में दिखाती हूँ आपको कि मैंने नेक्स्ट चीज़ क्या ख़रीद लिया। ओके, सो ये हमने वैष्णो माता का प्रसाद खरीदा था वहीं से, माता के भवन के पास से, बिल्कुल बाहर से खरीदा था। तो वो हमें 100 रुपीज़ का दिया था, जिसमें जिसमें गोला भी होता है, तो भेंट होती है ना माता की, तो उसमें ये 4 पैकेट मिले थे पंच मेवे के। तो मतलब
दो तो हमने मिक्स कर दिए प्रसाद में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ पे हमने छोटी की पोटली बना ली है, मतलब सबको देने के लिए, तो इसमें सारा मिक्स कर दिया था और सबके लिए पैकेट्स बना दिए हमने। अच्छा, उसी प्रसाद के अंदर ये तीन ये भी मिलते हैं ब्रेसलेट टाइप के, बहुत ही प्यारे। ये वहाँ पे 1 20 रुपीज का मिला था, बट में ये तीन प्रसाद के अंदर मिले हैं इसमें, तो ये भी मिला है, ठीक है। और तो ये मैं लेके आई थी डेट्स की जो टॉफीज, मतलब डेट्स फ्लेवर वाली जो टॉफीज है, ये मैं अपने बाबू के लिए लेके आई थी। ये हम विनायक के लिए लेके आए थे, क्योंकि उसे चॉकलेट और टॉफीज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये इसके लिए लेके आए थे। अब दोनों हमारी चॉकलेट्स और टॉफी खा नहीं सकती, इसलिए हम ब्रेस्ट लेके आए थे, और उसके लिए हम ये लेके आए हैं। विनायक के लिए हम चॉकलेट्स लेके आए हैं, क्योंकि उसे चॉकलेट्स और टॉफी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम बच्चों के लिए ये लेके आए थे। ओके, सो मैं अभी आपको फोटोज दिखाते हूँ। हम लोग वहाँ गए थे और मतलब मैंने कश्मीरी ड्रेस पहन के फोटोज खिंचाई थी हम दोनों ने, मैं थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो हम ये फोटोज देख सकते हो आप, मैं थोड़ी थोड़ी दिखाती हूँ। ये फोटोज वहाँ के VIP पार्क की है, जो कि जम्मू में है, जो मतलब पटली टॉप में सॉरी पटली टॉप हम लोग गए थे, जम्मू से भी काफी आगे है वो, तो हमने वहां पे VIP गार्डन था, वहां पे हमने फोटोज खिंचाई थी, देख सकते हो। ये देखो, और ये भी फोटोज हैं, ये और ये। चलो अब इसको रखती हूँ मैं, और भी फोटोज आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाली फोटोज मैंने पटली टॉप पे दिखवाई थी, और ये वाली जो फोटोज हैं, जो कि मैंने लार्ज साइज की, मतलब साइज आप कोई भी करवा सकते हो वहाँ पे, और सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज हैं। इसके आई थिंक 150 प्राइजेस थे इस साइज के। और ये हमने जो माता वैष्णो देवी हम लोग गए थे वहाँ पे हमने क्लिक करवाई थी, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, वहाँ पे बोट पे बैठ के, वहाँ पे स्टूडियो रहते हैं, तो हमने ये स्टूडियो से क्लिक कराई थी। नेम स्टूडियो का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। बहुत अच्छी फोटोज़ खींचते हैं वो लोग, और जैसे कि मैंने बताया कि साइजेस के हिसाब से पैसे होते हैं फ्रेम्स के, फोटोज़ के। अगर आप बड़ी खिंचवाओगे तो उसके चार्जेस आई थिंक 300 रुपीज़ होते हैं। इसके चार्जेस आई थिंक 150 रुपये या 200 रुपये थे इस वाली साइज के फोटोज के। अच्छा, तो नेक्स्ट है वो, ये देखो आप, ये मैंने क्लिक करवाई थी, तो ये इस साइज के 300 की आपको मिलेगी। तो ये कुछ ज़्यादा फोटोज वगैरह थी जो मैंने कश्मीरी ड्रेस पहन के खिंचवाई थी। अब जम्मू गई थी और वहाँ कश्मीरी ड्रेस पहन के फोटो ना खिंचवाओ तो वहाँ क्या ही, मतलब वहाँ जब आप माता के भवन जाओगे तो एंटर करोगे, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडियो, आप किसी भी स्टूडियो में जाके फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो। लास्ट चीज़ जो मैंने वहाँ से खरीदी है, जो वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, अब मैं वहाँ जाऊँ और शॉल्स ना खरीदूँ कश्मीरी शॉल्स, तो क्या ही ख़रीदा मैंने। तो मैंने इतनी सारी शॉल्स की शॉपिंग कर ली वहाँ, सबके लिए शॉल्स लेके आई मैं। तो मैं धीरे धीरे करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी शॉल खरीदी। तो फिर एक तो मैंने ये कलर की शॉल खरीदी थी, ये मतलब मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए और फ्रेंड्स के लिए लिया है। तो एक मैंने ये ऐसे हल्का सा आपको खोल के दिखाती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा मुझे पता। एक ये कलर की मैंने खरीदी है, ये मैरून कलर की है। इसका कपड़ा आप देख सकते हो, आप पास आके दिखा दो, आप देख सकते हो प्योर, बिल्कुल इतनी गर्म शॉल है ये, देख सकते हो आप। ये सारी शॉपिंग मैंने पटली टॉप से करी है, ये देख सकते हो आप। इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये मैंने खरीदी। मैं आपको दिखाती हूँ, फिर नेक्स्ट मैंने इस कलर की खरीदी, आप पास आके दिखा दो, ये थोड़ा सा पिंक शेड में। अच्छा, इन वाली शॉल्स में क्या है कि एक साइड ये कलर है और एक साइड ये, आप इस शॉल को दोनों साइड से यूज़ कर सकते हो, मतलब इस साइड से भी आप यूज़ कर सकते हो और इस साइड से भी। तो ये भी बहुत ज़्यादा गर्म शॉल है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वाली दिखा देती हूँ, मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि फिर मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट जो मैंने खरीदी है वो ये शॉल है, बिल्कुल रेड कलर की खरीदी थी। ये भी देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कश्मीरी शॉल्स हैं ये बिल्कुल। ये मैंने जम्मू से खरीदी थी, और ये नेक्स्ट जो है वो ये कलर की है, थोड़ी सी डार्क पिंक कलर में शेड में है, बहुत प्यारी है। जैसे मैंने दिखाया, कपड़ा बहुत ज़्यादा इसका सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा मतलब गर्म शॉल है ये वाली। अब नेक्स्ट जो मैंने खरीदी है वो ये खरीदी है, वो देख सकते हो आप, ये ब्लू शेड है, मतलब आगे का ऐसा है और पीछे का ये वाला शेड है, मतलब कॉम्बो है। तो आप इसको ना दोनों साइड से ओढ़ सकते हो,
मतलब दोनों साइड से इसको यूज कर सकते हो। अब तो मैंने नेक्स्ट खरीदी थी वो दिखाती हूँ, वो ये रही रेड कलर की है, ये देख सकते हो बिल्कुल इसका भी कपड़ा ऐसे ही है, बहुत सॉफ्ट और इतनी बढ़िया लगी मुझे। मतलब मैं खरीदने को वहाँ पे सिर्फ एक थी और मतलब मुझे ये इतनी अच्छी लगी कि मैंने इतनी सारी खरीद ली और मैंने सबके लिए खरीद ली। अच्छा तो नेक्स्ट जो है वो मैंने ये वाली शॉर्ट्स खरीदी है, आप देख सकते हो ये देखो इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से, ज़्यादा नहीं खोलूँगी मैं, थोड़ा सी दिखा देती हूँ आपको। ये देखो ये भी बहुत प्यारी शॉल है, ये थोड़ी सी गर्लिश टाइप है तो मेरे को अच्छी लगी तो मैंने ये वाली भी खरीद ली। मतलब ये मैंने 3 खरीदी थी, दो पता नहीं कहाँ गई, दो मैं दिखाती हूँ आपको। तो एक ये खरीदी, देख सकते हो आप इसका पैटर्न ऐसे है, पास से दिखा दो, इसका कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो एक ये भी खरीदी मैंने। ओके सो एक थी ये, मतलब मैंने इसी के अलग अलग पैटर्न से शॉल के तो मैंने 4 खरीद लिए। अब दिखा देती हूँ मैं आपको, पास खा के दिखा दो। एक तो ये पैटर्न था, एक देख सकते हो आप, एक इस पैटर्न की थी और कपड़ा सबका एक ही है, सब ओस्वल शॉल्स है, ये देख सकते हो आप, इसका इस तरीके से पैटर्न था और इसका कलर ग्रीन और ये कलर में देख सकते हो आपको। इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा कपड़ा है, इसका एक ये खरीदी थी और एक ये पिंक शेड में खरीदी थी मैंने, देख सकते हो इसको ऐसे। तो ये ऐसा है एक। ओके अब मैं और दिखाती हूँ आपको, एक और खरीदी जैसे मैंने आपको बताया था 4 इसलिए। तो एक ये वाला शेड है जो ये स्काई कलर का शेड है, देख सकते हो, एक दिखाई देती हूँ ऐसे खोल के, देखो इस तरीके से ओढ़ने के बाद ऐसे लगेगी। तो ये सारी शॉल की शॉपिंग करी मैंने ये सारी शॉल्स की शॉपिंग करी, ये सारी मैंने अपनी भाभीयों के लिए खरीदी, मतलब मैंने एक अपनी भाभी के लिए और एक नया भाभी के लिए खरीदी, और फिर मैंने अपनी ये दोनों मम्मियों के लिए खरीदी है, एक मैंने मामी के लिए खरीदी और ये अपनी सिस्टर एंड लॉस के लिए भी खरीदी थी 2, और बाकी एक मैंने अपने लिए भी खरीद ली थी। सो ये सारा कुछ मैंने शॉल्स वगैरह की शॉपिंग करी अपने फ्रेंड्स के लिए, और ये जो मैंने आपको दिखाया ये थोड़ी बहुत हमने ऐसी वाली शॉपिंग करी, थोड़ा बच्चों के लिए ले लिया। तो आज का व्लॉग आपको ये शॉपिंग वाला कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अच्छा हाँ मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, इसकी शॉल्स की रेंज वहाँ पर आपको जितनी भी, मतलब वहाँ पर आपको स्टार्टिंग फ्रॉम 400 टू, मतलब जितना भी आप लो आपको उस रेंज की शॉल्स मिल जाएंगी, मतलब जितनी अच्छी क्वालिटी लोगे जितना अच्छा वो लोगे तो आप उस हिसाब से आपको वहाँ पे प्राइजेस मिल जाते हैं। और लेकिन वहाँ की जो शॉल्स होती हैं वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी कपड़े की होती है, मतलब छू के ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब है कोई शॉल। तो ये वहाँ से मैंने खरीदी, और आप लोग भी जाना तो शॉल वॉल ज़रूर खरीद के लेके आना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, और बाकी सब सही है। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छा हाँ आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इन सारी शॉल्स में से आपको कौन सी वाली शॉल जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।